दिनांक 17 जून को मुद्रा एग्रो प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में कार्यरत सिक्योरिटी गार्ड संजय पांडे की मौत कार्य के दौरान कार्यस्थल पर हो गई थी। इनकी सही मुआवजे राशि के लिए माननीय विधायक गिरिडीह सदर श्री सुदिव्य कुमार सोनू एवं माननीय जिलाध्यक्ष झामुमो श्री संजय सिंह के आदेशानुसार एक टीम गठित की गयी, जिसका नेतृत्व युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष दिलीप मंडल ने की। मृतक की पत्नी रूबी देवी को तत्काल 50,000 रुपए कैश एवं 4,00,000 रुपए का चेक मुद्रा एग्रो मिल एवं कोबरा सिक्योरिटी लाइन कंपनी द्वारा दिया गया। सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने आश्वस्त किया कि मुद्रा राइस फैक्ट्री के मालिक श्री आदित्य मुद्रा जिला में नहीं है। इनके आने के उपरांत श्रम अधीक्षक गिरिडीह अनुमंडल पदाधिकारी एवं मुद्रा राइस फैक्ट्री के मालिक के साथ वार्ता कर जो भी राशि कंपनसेशन एक्ट के तहत होगी वो भुगतान हेतु फैक्ट्री के मालिक बाद में होंगे। इस दौरान झामुमो के अभय सिंह, प्रधान मुर्मू, दिलीप मंडल, प्रदीप इम्तियाज अहमद, आनंद मिश्रा, रंजीत यादव, मोहम्मद बट्टू, कांग्रेस के मोहम्मद बेलाल, यश केडिया और मजदूर संघ के लोग शामिल रहे। हर हाल में देना होगा, देना होगा, देना होगा। मुद्रा राइस मिल का मालिक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम अपनी मांगे लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। हम अपनी मांगे लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। मजदूरों को कंसेशन देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा। मजदूरों के प्रति देना होगा, देना होगा, देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद। बंद करे, बंद करो, बंद करो। मजदूरों का शोषण बंद करे, बंद करो, बंद करो। वाला का जो मालिक है उत्तराखंड कॉन्फ्रेंस में लेकर बात किए, एसडीओ बोले कि अभी एकदम मतलब मालिक भी यहाँ नहीं है और हम भी अभी बाहर, तो बात कॉन्फ्रेंस में जो हो रहा है अभी 4,50,000 रुपये का आपको चेक दे रहा है, बाकी बात जो भी इसका कंपनसेशन एक्ट में है जितना कैलकुलेशन में बनेगा जो वो, जो किया है वो चीज हम लोग बोलते हैं कि हम जिम्मेवार हैं कि उनका वो राशि पूरा मिलेगा। हम लोग का कंपनसेशन एक्ट में 9.5 लाख बन रहा है, इसका जिम्मेवारी बोल रहे हैं कि अभी 4.5 आप लीजिए, बाकी जो बचेगा वो बैठ के तय हो जाएगा और जो बचेगा वो हम दिलवाएंगे। ये बात लिखा पढ़ी ना हम लोग करेंगे अभी यहाँ पर, उनका जो प्रतिनिधि आएगा चेक लेकर आएगा उनके साथ लिखवा लेना है कि जो बाकी हम लोगों का मुआवजा बनेगा उसका बाकी राशि हम लोग बाद में दे देंगे। अभी 4.5 लाख 50,000 रुपया 4 लाख रुपया ये के लिए दाह संस्कार के लिए और 4 लाख रुपया इधर कंपनसेशन, और जो कंपनसेशन बनेगा उसमें फिर जैसे 9.5 4 लाख घटा देगा तो बाकी 5.5 देगा, या तो 5 होगा तो 4.5 देगा, समझ गए? यही पर अच्छा लिखित में हो जाना चाहिए, बुलाइए जल्दी, बुलाइए। वो बिना लिखा पढ़ी कुछ नहीं, एसपीओ का कहना है कि हम पर भरोसा रखे हैं, है ना? एसपीओ अपने ऊपर लेकर आ रहे हैं, हम लोग अपना बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग भी लगे हुए हैं, ठीक है। एगो दे दीजिएगा, हम लोग का दीजिए पेपर, ले लेगा मोबाइल, एक सादा पेपर दीजिए, कहां गया मुकेश? हां क्या ना बोलूं, सादा लिखा आज दिनांक 18 जून मुद्रा एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के प्रांगण में एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ। इस फैक्ट्री में कार्यरत सिक्योरिटी गार्ड जो कोबरा लाइन के कर्मी थे उनकी मृत्यु बीते कल शाम 3 बजे हो गई थी। उनका जो कंपनसेशन बनता है उसी को लेकर पीड़िता फैक्ट्री के मालिक के प्रतिनिधि प्रशासन की ओर से दूरभाष से वार्ता में शामिल रहे गिरिडीह एसडीओ साहब और मजदूर प्रतिनिधि के तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा युवा मोर्चा के पदाधिकारीगण, मासस के साथी
के बीच में एक समझौता बनी जिसमें नियोक्ता को तत्काल राहत के लिए 4.5 लाख रुपया दिया गया है और बाकी कंपनसेशन एक्ट के तहत जो भी राशि होगी उसका बकाया राशि मुद्रा एग्रो के मालिक आदित्य जी जिला से बाहर रहने के कारण आज समझौता अधूरा रह गया था। ये एसडीओ जिम्मेवारी लिए हैं कि उनके गिरिडीह पहुंचते ही लेबर ऑफिसर एसडीओ साहब और पुनः जो पीड़िता है उनके बीच में जो कंपनसेशन एक्ट के तहत राशि बकाया है उसका भुगतान किया जाएगा। आज मुद्रा एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के सामने हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे कल एक जो मजदूर हैं उनकी ड्यूटी के आवर में मौत हो गई थी और इनको कंपनसेशन में प्रॉब्लम हो रहा था, तो हम सब जो युवा साथी हैं उनको हमें इसके बारे में न्यूज़ पता चला और हम लोग आए यहाँ पे स्पॉट पे। हमने फैक्ट्री के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे बात की, एसडीओ साहब से बात की, जो कोबरा लाइन सिक्योरिटी है जिससे ये आदमी जिसके अंडर कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे थे उनसे बात की और इनको तत्काल में 4.5 लाख रुपये इनको मुआवजा मिलेगा और जो बाकी मुआवजा है वो एम्प्लॉयमेंट एक्ट के अंडर मिलेगा। इनकी 4 छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं जिनको अब इनकी वाइफ को आगे बढ़ाना है, आगे जो भी उनको पालन पोषण करना है और उनके साथ हम लोग सारे जो युवा साथी हैं वो हम लोग खड़े हैं। शुक्रिया। आज दिनांक 18/6/23 को यहाँ पर मुद्रा राइस मिल में काम कर रहे एक मजदूर संजय पांडे उसकी मृत्यु कल 3 बजे यहाँ पर हो गई थी, जिसके मुआवजा के लिए झामुमो के प्रतिनिधिगण सुबह से ही लगे हुए थे और माननीय विधायक गिरिडीह सदर के आदेशानुसार हम लोगों ने मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा हेतु जितना भी था वो उनको करवाएं। अभी 4.5 लाख रुपये का मुआवजा मिला है और बाकी जो लेबर लॉ के अनुसार जो मुआवजा मिलना है वो 2-4 दिन बाद मिल जाएगा। धन्यवाद। मजदूर संगठन समिति का सहसचिव हूँ। मैंने जैसे ही सुना कि यहाँ मजदूर दुर्घटनाग्रस्त होकर मृत्यु हुए हैं, तत्काल हम लोग तुरंत सारे मजदूर लोग एकत्र हुए और वहाँ जाने के काम किया हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में पता चला वहाँ कोबरा गार्ड के प्रतिनिधि आए, उनसे वार्ता हुई। वो वार्ता में काफ़ी मशक्क़त के बाद जो हम लोगों ने कानूनी प्रावधान के अनुसार जो एक्ट बनता है उसके अनुसार से बात किए, लेकिन नहीं माना। अंतोगत्वा एसडीओ साहब के से बात हुई दूरभाष द्वारा और उनके अनुसार से 4.5 लाख रुपया भी दिया गया और बीच में फिर डायलॉग होगा उनके साथ बैठ के हम लोगों के साथ और इनका मुआवजा पुनः मिलेगा। कल दिनांक 17 जून 2023 को मुंद्रा राइस मिल में एक दुर्घटना हुई जिसमें सुरेंद्र पांडे जी की संजय पांडे जी की हत्या हो मृत्यु हो गई थी, जिसमें हम सभी गिरिडीह के सामाजिक कार्यकर्ता लोग मिलकर मजदूर संगठन झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग कांग्रेस के लोग आके इस मुंद्रा राइस मिल समिति से हम लोगों ने मिलकर वार्ता की और संजय पांडे जी के परिजनों को उनको मुआवजा उचित रूप से दिलाने का काम किया।